इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन क्विंग्यू की तरफ अपने सॉर्ड से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्विंग्यू पीछे मुड़ता है एंड रोजन से कहता है, तुमने एक वुमेन को बेट की तरह इस्तेमाल किया ताकि तुम मुझ पर हमला कर सको। सच में तुम्हें नहीं पता है कि सुंदरता को कैसे अप्रिशिएट किया जाए। अब क्विंग्यू रोजन की तरफ अपने ग्रीन डेविल हैंड से हमला करता है, लेकिन रोजन उसे अपनी सॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर देता है। क्विंग्यू दोबारा से रोजन पर हमला करता है, लेकिन रोजन क्विंग्यू के सभी हमले को इजीली ब्लॉक कर देता है। क्विंग्यू के लगातार हमलों से रोजन पीछे होता जाता है। रोजन अपने मन के अंदर कहता है, इस आदमी की स्ट्रेंथ जो है वो सच में काफी ज्यादा डरा देने वाली है। रोजन अपना पैर जमीन पर रखता है एंड कहता है, हालांकि मैंने उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अगर ये फाइट ऐसी ही चलती रही तो मेरी स्वॉर्ड जो है वो इस फाइट को नहीं सह पाएगी और टूट जाएगी। क्विंग्यू के हमले को ब्लॉक करते करते रोजन कॉर्नर्ड हो जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है एंड उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होता। इस चीज को देखकर क्विंग्यू रोजन से कहता है, चलो देखते हैं कि इस बार तुम इसे कैसे डॉज करोगे। अब क्विंग्यू रोजन की तरफ जाते हुए अपने ग्रीन डेविल हैंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी रोजन अपनी मरेडियन आई को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो क्विंग्यू के हमले से इजीली बच जाता है। क्विंग्यू का हमला जाकर चट्टान पर लगता है एंड वो चट्टान आधी हो जाती है। अब तभी क्विंग्यू पीछे मुड़ता है। क्विंग्यू ये देखकर हैरान होता है कि रोजन उसके हमले से बच चुका है। क्विंग्यू अपने मन के अंदर कहता है, वो मेरे मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करके बच पाया, क्या उसके पास मरेडियन आई है? लेकिन ये नामुमकिन है, स्क्वायर कमांडर के जीनियस भी अभी तक अपनी मरेडियन आई को एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। आखिर यूनवो कमांडरी जैसी छोटी कमांडरी से ये प्रिंस मरेडियन आई को एक्टिवेट कैसे कर सकता है? उसके मरेडियन आई को एक्टिवेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जीक्वेन भी रोजन को क्विंग्यू के इस हमले से बचता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। अब जीक्वेन रोजन से पूछती है, क्या वो ठीक है? रोजन स्लाइड करके जीक्वेन के पास जाता है एंड उसे कहता है, तुम बताओ तुम ठीक हो? जीक्वेन रोजन से कहती है, मैं ठीक हूँ, चलो साथ में मिलकर काम करते हैं और इसे मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। मैं तब तक क्विंग्यू को संभालती हूँ, तुम जाकर उन 5 वॉरियर्स को मार दो, शायद मैं क्विंग्यू की 10 और स्ट्राइक्स को सह पाऊंगी और इस टाइम का इस्तेमाल करके तुम्हें जितने हो सके उतने वॉरियर्स को मारना होगा। उसके बाद हम साथ में मिलेंगे और साथ में मिलकर लड़कर पहले क्विंग्यू को हराएंगे और उसके बाद यहाँ से भागने का एक मौका ढूंढेंगे। जीक्वेन की बात सुनकर रोजन उसे कहते हैं, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए बढ़िया ये है कि मैं क्विंग्यू को संभालूं, तब तक तुम जाकर उन 5 वॉरियर्स को मार दो। अब जीक्वेन थोड़ा आगे जाती है एंड रोजन से कहती है, नहीं, क्विंग्यू मुझे नहीं मारेगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे 10 स्ट्राइक्स तक संभाल सकती हूँ। अब जीक्वेन अपनी सॉर्ड को बाहर निकालती है एंड कहती है, अगर तुम क्विंग्यू से लड़ते हो तो तुम जरूर 5 स्ट्राइक्स में मारे जाओगे। जीक्वेन की बात सुनने के बावजूद भी रोजन क्विंग्यू पर हमला करने के लिए आगे जाता है एंड कहता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। पीछे से जीक्वेन कहती है, तो ठीक है ऐसा ही करते हैं, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रहना है। रोजन की बहादुरी देखकर जीक्वेन अपने मन में रोजन की तारीफ करती है। दूसरी ओर रोजन जाकर क्विंग्यू से लड़ता है। अब जीक्वेन रोजन एंड क्विंग्यू की फाइट को देख ही रही होती है, तभी उसे स्क्वायर कमांडर का एक वॉरियर कहता है, आखिर तुम हम 5 से कैसे लड़ोगी? जीक्वेन कहती है, तुम 5 को मैं कैसे संभालूंगी, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जीक्वेन की बात सुनकर एक दूसरी फीमेल वॉरियर उसे कहती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी सच में काफी अलग है, मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। अब समझ में आया कि यंग मास्टर क्विंग तुम में क्यों इंटरेस्टेड है। अब वो फीमेल वॉरियर जीक्वेन से कहती है, क्यों ना तुम मेरी तरह बन जाओ और यंग मास्टर क्विंग के साथ रहो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर तुम मास्टर क्विंग के साथ रहती हो तो तुम्हें काफी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी मिलेंगे। जीक्वेन उस फीमेल वॉरियर की बात को सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाती है एंड वो उसे गाली देते हुए उसकी तरफ हमला करने लगती है। जीक्वेन काफी ज्यादा फास्ट होती है, वो उस फीमेल वॉरियर के करीब काफी ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। वो फीमेल वॉरियर भी जीक्वेन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी जीक्वेन के पीछे से एक मेल वॉरियर आता है एंड वो हंसते हुए उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जीक्वेन को उस वॉरियर के आने का अंदाजा लग जाता है एंड वो उसे कहती है, क्या तुमने इस चीज के बारे में सुना है कि तुम्हारी तरफ कोई दूसरी डायरेक्शन से हमला आ रहा हो? अब जीक्वेन अपने एक असैसिनेशन मूव को इस्तेमाल करती है एंड उस वॉरियर को हरा देती है। जीक्वेन के इस मूव को देखकर वोशिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, जो मूव इस वुमेन ने अभी किया है उससे ये पता चलता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेंड किलर है, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिर 9th प्रिंस एक किलर के साथ क्या कर रही हैं? अब तभी वोशिंग अपने सभी वॉरियर से कहते हैं कि उन्हें रोजन एंड जीक्वेन जिंदा चाहिए। अब तभी वोशिंग की बात सुनकर वही फीमेल वॉरियर जीक्वेन की तरफ हमला करती है। वो जीक्वेन पर एक किक मारती है, लेकिन जीक्वेन अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देती है एंड उसे कहती है, तुम ये करके अपनी मौत ढूंढ रही हो।
अब जीक्वेन अपनी स्पीड एंड स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से उस फीमेल वॉरियर को मार देती है, लेकिन इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है एंड वो कहती है अभी भी 3 एनिमीज बचे हुए हैं, मेरे पास इतनी ज्यादा जेन्युइन क्वीन नहीं है कि मैं उन तीनों से अभी लड़ पाऊं। जीक्वेन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब कुछ टाइम बाद जीक्वेन डिसाइड करती है कि उसे अपने इस आखिरी मूव पर सारा दाव लगाना होगा, लेकिन अगर उसका ये आखिरी मूव फेल होता है तो वो और 9th प्रिंस यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। अब जीक्वेन अपनी बची हुई जेन्युइन क्वीन को इकट्ठा करने लगती है। जैसे ही रुओचेन इस चीज को सेंस करता है तो वो भी घबरा जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है इतनी ज्यादा इंटेंस जेन्युइन क्वीन, ऐसा लगता है जीक्वेन जो है वो अपनी लाइफ को इस सिंगल स्ट्राइक पर लगा रही है, मुझे भी जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा नहीं तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, माता ने।